अब आपको यह भी समझना होगा कि बीजेपी क्या जातिगत सर्वे के विरोध में है। अगर है तो क्यों? जातिगत सर्वे की मांग के पीछे रणनीति यही थी कि जातीय अस्मिता को धार दी जाए। जातिगत बिहार में जातिगत सर्वे पर लगी रोक पटना हाईकोर्ट ने हटा ली है। पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर प्राथमिकता के आधार पर जातिगत सर्वे कराने के लिए कहा है। जातिगत सर्वे को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद 2024 की लड़ाई पूरी तरह से बदल सकती है। जातिगत सर्वे को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वोटों का गणित बदल सकता है। इसके समर्थन और विरोध की सियासत के पीछे यही गणित है। पीएम मोदी के चेहरे के सहारे ओबीसी वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। सर्वे से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक साल 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां करीब 22% ओबीसी वोट मिले थे, वहीं 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा 44% तक पहुंच गया। ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत होती पकड़ का नतीजा ये रहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां कमजोर होती चली गई। यूपी में समाजवादी पार्टी की जमीन भी कमजोर हुई, तो वहीं ओडिशा में सत्ताधारी बीजू जनता दल को भी डर सता। वजह है कि वो सभी पार्टियां जिनका बेस वोटर ओबीसी है अपने अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही हैं। जातिगत सर्वे को कमंडल और मंडल की लड़ाई की तरह अभी देखा जा रहा है। ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी की मजबूत होती पकड़ के बीच 2024 से कुछ ही महीने पहले जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी उठा दी। ये सब बात के स्पष्ट संकेत हैं कि बीजेपी 2024 के चुनाव में राम मंदिर निर्माण को अपनी उपलब्धि बताने के साथ ही यूजीसी के मुद्दे पर हिंदू वोट बैंक की गोलबंदी करने की कोशिश करेगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी की कोशिश जो है वो मतदाताओं को हिंदू अस्मिता पर लाने की होगी। इसे भांपते हुए बिहार की सत्ताधारी पार्टियों ने ठीक उसी समय ओबीसी कार्ड चल दिया है, जिस तरह का दांव कभी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने चला था। बीपी सिंह ने तब मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर दिया था। बीजेपी ने कठिन माना जाने वाला सामाजिक समीकरण साथ नया वोट बैंक खड़ा किया है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, वो है हिंदू वोट बैंक। बीजेपी को कभी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी तक कहा जाता था, लेकिन आज हर जाति और वर्ग में बीजेपी की मजबूत पैठ बन चुकी है। बिहार की बात करें तो विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन नीतीश कुमार के बिना उतना प्रभावी भले न रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में आंकड़े कुछ और ही हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू के अलग हो जाने के बाद भी बीजेपी एलजेपी रालोसपा जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी थी और करीब 30% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार और लालू यादव की अनुभवी जोड़ी ये समझ रही है कि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के कद का ओबीसी नेता नहीं है। बीजेपी को हराना है तो पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी के साथ गोलबंद गैर यादव गैर कुर्मी ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाना जरूरी है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पटना हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस सर्वे के जरिए हर जाति के गरीबों की आर्थिक स्थिति सामने आ सकेगी। इसके आधार पर सरकार को ये योजनाएं बनाने में सहयोग मिलेगा। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के फैसले को नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जीत बताया। वहीं बीजेपी ने कहा कि हमारी पार्टी भी इसके पक्ष में है। वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार पर सवाल भी खड़े किए। जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी, तो जाति आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज्यादा काम हो रखा था, बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खासतौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफी मददगार होगा। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि जातीय जनगणना के माध्यम से क्या लॉ एंड ऑर्डर हत्याओं का दौर वो बंद कर पाएंगे?
क्या शैक्षणिक वातावरण और शिक्षा विभाग में जातीय जनगणना से सुधार पाएंगे? क्या स्वास्थ्य विभाग में घोर अराजकता अब भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे? ये उन्माद पैदा करके सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जातीय जनगणना का नियत साफ है तो आप उसको इंप्लीमेंट करें उसके कल्याण के लिए। सर्वे के बाद आरजेडी और जेडीयू इसे कैश कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं बिहार से बाहर की बात करें तो सपा बीजेडी जैसी पार्टियां भी इस मुद्दे को हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आरजेडी बार बार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा भी बुलंद करती रही है। इन दलों की कोशिश अब इसे लेकर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की होगी। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बचा है, ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि तमाम चुनौतियों से जूझते हुए पार्टी को पीएम मोदी के चेहरे पर हर जाति धर्म वर्ग के आधार पर तैयार करने में जो सफलता मिली है उस जाति के नाम पर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। अगर आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की तरह पकड़ ढीली करने में सफल रहे तो 2024 के लिए बीजेपी की राह भी मुश्किल हो सकती है।